हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिंगर्स मैजिक आर्ट शो एंड दिस इज मीनल। एंड फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जीरो कॉस्ट DIY। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक पेपर पर ये शेप ड्रॉ किया है जिसकी विड्थ 6 inches है एंड जिसकी लेंथ 16 inches है। अब मैं एक जूट का कपड़ा ले रही हूँ और हमें ये शेप इस जूट के कपड़े पर कट कर देना है। फ्रेंड्स, ये वेडिंग कार्ड है और मैंने इस पर 2 flowers ड्रॉ कर लिए हैं। एक का साइज मैंने बड़ा बनाया है और एक का छोटा। तो फ्रेंड्स, अब मैंने एक सर्कल भी ड्रॉ कर लिया है और इन सर्कल को और फ्लावर्स को मैं करूँगी कट। सो गाइज, ये हमारा कटआउट रेडी है। यहाँ मैंने कुछ पुराने कपड़े के पीसेस लिए हुए हैं, फैब्रिक पीसेस लिए हुए हैं और इन पर हमें अपने फ्लावर को कट कर लेना है। सो गाइज, इसे मैं फोल्ड कर रही हूँ और उस पर फ्लावर ट्रेस करके इसे मैं करूँगी कट। एंड फ्रेंड्स, रेडी हो चुके हैं हमारे प्यारे से ब्यूटीफुल से कलरफुल फ्लावर्स। अब हम इन्हें अपने जूट के फैब्रिक पर अरेंज करेंगे। फ्रेंड्स, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें हैंग करने के लिए ऊपर की तरफ 1 inch छोड़ना है एंड साइड में 1/2 inches छोड़ना है, क्योंकि हमें आगे बॉर्डर लगानी है। अब मैं स्मॉल फ्लावर्स को फैब्रिक ग्लू की हेल्प से स्टिक करूँगी। सारे फ्लावर्स को हमें इसी तरीके से स्टिक करते जाना है एंड देन इसे हमें सेट होने के लिए छोड़ देना है। सो गाइस, इधर मैंने 3 red color के बड़े फ्लावर्स बनाए हैं एंड 4 small flowers बनाए हैं। येलो के, ऑरेंज के भी 3 and 4 ही बनाए हैं और मुझे यहाँ थोड़ा स्पेस कम ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं इस पर और फ्लावर्स स्टिक करूँगी। सो गाइस, ये हमारा रेडी है। अब मैंने ये कुछ पुराने कपड़ों के बटन निकाल लिए थे, तो अब मैं उसको रजाई बनाने वाला जो थ्रेड होता है उससे इसको टक कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये वॉल हैंगिंग बनाने के लिए मैंने कोई भी सामान परचेज नहीं किया है। मैं पुराने कपड़ों का यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास धागा पड़ा हुआ था मैं उसे यूज़ कर रही हूँ और पुराने कपड़ों से जो मैंने बटन निकाले थे। एक्चुअली मुझे बटन कलेक्ट करना बहुत पसंद है, तो मैंने पहले ही बटन निकाल के रख लिए थे और मुझे नहीं पता था कि एक दिन ये बटन भी काम आ जाएंगे। सो गाइज, ये बटन टक हो चुके हैं और अब मैंने ये स्टिक ले ली है और इसको हैंग करने के लिए मैं इसे करने वाली हूँ स्टिच। तो गाइज, हमें सिंपल रनिंग स्टिच करके इसे स्टिच करते जाना है। एंड लास्ट में हमें इस थ्रेड को लॉक कर लेना है एंड अब हम अपनी स्टिक को इसमें इंसर्ट करेंगे। सो गाइज, ये हैंगिंग के लिए हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैंने इस रेड फैब्रिक के कुछ सर्कल कट किए हैं और अब मैंने हाफ कट कर लूँगी एंड देन इसे मैं अपनी बॉर्डर के लिए यूज़ करने वाली हूँ। हमें इस तरीके से बॉर्डर पर इसको प्लेस करना है एंड इसे स्टिच करना है। एंड फ्रेंड्स, जब हम इस पर दूसरा फैब्रिक अटैच करेंगे, दूसरा पीस अटैच करेंगे, तो हमें उसे ओवरलैप करते हुए इस पर स्टिच करते जाना है। सो गाइज, ये हमारी एक साइड की बॉर्डर रेडी हो गई है और अब हमें इसी तरीके से सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए दूसरे साइड भी अपनी बॉर्डर लगा लेनी है। इसे हैंग करने के लिए मैंने कॉटन डोरी ली है और अब मैं नॉट टाई कर दूंगी और इस रोप को, इस डोरी को इस तरीके से हमें ओपन कर देना है
और एक कॉम की हेल्प से इसको ब्रश कर देना है। फ्रेंड्स, अब मैंने ये बटन लिया हुआ है, इसका साइज थोड़ा बड़ा है और अब मैं इसे नीचे की तरफ टक कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, अब मैंने लिया है ये क्राफ्ट वूल और बेल, और इस बेल को मैं क्राफ्ट वूल से टाई कर दूंगी एंड देन इसको बटन से अटैच कर दूंगी। और ये तैयार हो गया है हमारा आज का DIY। चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। सो गाइज, ये रहा हमारा आज का ब्यूटीफुल कलरफुल DIY। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।